हेलो फ्रेंड्स, सास बहू का ढाबा में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम फिर आए हैं एक नई रेसिपी के साथ, जिसका नाम है पड़वल की सब्जी। तो चलिए बनाते हैं पड़वल की सब्जी। दो टेबलस्पून चने की दाल को मैंने 5 घंटे भिगा कर रखा था, उसके कारण अब ये फूल चुकी है। मैंने इसका पानी निकाल दिया और इसको अब मैं साइड में रख रही हूँ। और मैंने पड़वल, आधा किलो पड़वल इसको बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इसको अब हम बघार लगाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने हींग लिया है और 10 कड़ी पत्ता के पत्ते लिए हैं। अब हम बघार लगाएंगे। हमने पैन रख दिया है गैस के ऊपर, उसमें 2 टेबलस्पून तेल डाला है और उसमें 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 टीस्पून और राई डाली है। ये थोड़ा तड़तड़ाने लग जाएगा, फिर हम कड़ी पत्ता और हींग डालेंगे। कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया और हींग भी डाल दिया है साथ में, हींग भी डाल दिया है। अब मैं जो पड़वल है उसको इसमें डाल दूंगी। ध्यान रहे, इसमें बिल्कुल भी पानी हमें नहीं डालना है। उसके बाद चने की दाल को भी हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। मैं इसमें अभी सिर्फ नमक डालने वाली हूँ, मसाले बाद में डालूँगी। नमक जो है वो अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें। और अब नमक डालने के बाद मैं अच्छे से उसको मिला लूँगी। और हम इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको ढक कर थोड़ी देर पकने देंगे। जब ये आधा पकने आ जाएगा तब मैं इसमें धना जीरा पाउडर डालूंगी। चलिए खोल के देखते हैं। यस, ये सब्जी आधी पक चुकी है। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। हल्दी भी हम अभी डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी डाली हमने, इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिर्च पाउडर हम सबसे लास्ट में डालेंगे। अच्छे से मिलाकर हम और 2 मिनट के लिए इसको रख देंगे ढककर। सब्जी करीब करीब पकने आ गई है। अब हम इसमें 1/2 नींबू को निचोड़ देंगे, 1/2 नींबू का रस डालेंगे और इसको फिर 2 मिनट के लिए ढकेंगे। अब इसमें हम मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर। मैं मिर्च पाउडर पहले क्यों नहीं डालती हूँ, क्योंकि कई बार मिर्च पाउडर मसाले जो है कढ़ाई में या साइड में चिपक जाते हैं, तो बजाय उसके ये सारा मसाला सब्जी में अच्छे से लगता है। तो हमेशा मसाला थोड़ा लेट डालेंगे सूखी सब्जी में, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको और रखेंगे गैस पर। ढक कर रखेंगे। ढक्कन खोल कर देखते हैं। यह सब्जी एकदम अच्छी बन गई है
और हींग और कड़ी पत्ते की मस्त खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको गैस को बंद करेंगे और इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए मैंने सर्विंग बाउल में निकाल ली है सब्जी, बड़ी टेस्टी सब्जी बनी है। तो आप भी ये सब्जी बनाइए और आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए और सेफ रहिए।